मुंबई से सटे पालघर जिले के वान गांव में पशु तस्करी करने वाले गिरोह को शिवसेना बजरंग दल गौरक्षकों ने पुलिस के साथ मिलकर एक आरोपी लियाकत शेख सहित टेम्पो से 21 पशुओं को आजाद करवाया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। वहीं लगातार जिले में हो रहे गौ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए गौ रक्षक अशोक राजपूत ने तस्करों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पेश है न्यूज 24 भारत की रिपोर्ट। मैं डानू से अशोक राजपूत। अभी रात को मेरे को फोन आया कि वानगांव ईस्ट में कुछ वानगांव के स्थानिक लोगों ने कुछ गाय का टेम्पो पकड़ा है जो गांव तस्करी करते हैं, और वही टेम्पो को उन्होंने पकड़ के रखा और हमें वहां से उन्होंने फ़ोन किया। वैसे ही हम वहां से डानू से वानगांव आए और पुलिस स्टेशन से भी फ़ोन किया, वो लोग भी स्थानिक स्थल पर आ गए। और जैसे ही वहां गए, वहां टेम्पो था, टेम्पो के अंदर के ड्राइवर फरार हो चुका था और टेम्पो वहीं था, और स्थानिक लोगों की मदद से वो टेम्पो को पकड़ के वानगांव पुलिस स्टेशन के हद में हमने उसको ताबे में दिया है और आज के आज उसको FIR दर्ज किया है और सभी गायों को सकवार जीवदया गौशाला में भेज दिया गया है। टेम्पो नंबर MH04CG1257। ऐसे बहुत से तस्करों का इधर जोर में काम चल रहा है। डानू में भी बहुत जगह पे हमारे गौ रक्षकों पे हमला भी हुआ है। वो पूरे हथियार के साथ आते हैं, पत्थर मारते हैं। अभी सावटा हनुमान जी मंदिर पे भी उन्होंने टेम्पो लेके इसी तरह से गाय पकड़ने की कोशिश की है और उनका पूरा CCTV कैमरा के अंदर पूरा उनका रिकॉर्ड हो चुका है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से और पुलिस दल से कि जल्द से जल्द ऐसे गौ तस्करों को नकल डाले, उसको पकड़े और उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्यवाही हो। यह हमारी गौ रक्षा दल की तरफ से आपको एक विनंती है। वानगांव के रहवासी विनायक पवार को जानकारी मिली कि चारोटी से वानगांव तरफ एक टेम्पो में गौश आ रहा है। ये माहिती के अनुसार पुलिस और स्थानिक लोगों की मदद से रेलवे फाटक के ऊपर ट्रैप लगा के संशयित टेम्पो पकड़कर उसमें से 21 गौश बरामद कर दिए। इस मामले में वानगांव पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज करके जांच चालू है।